नमस्कार। अयोध्या भंडारे के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। एक दानी सज्जन ने लाखों रुपए की जो है सहयोग राशि देने का ऐलान किया है, और वो ऐलान ही नहीं किया, वो यहाँ पर चेक देने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या नाम है और क्या उनका काम है। नमस्कार जी। मेरा नाम सचिन बंसल है। क्या काम है अपना? मेरा खल का व्यवसाय है। खल का व्यवसाय है, तो अयोध्या भंडारे की क्या जानकारी मिली थी आपको? ये जो प्रेरणा आई कि कहाँ से आई और कितनी आपने घोषणा की है? इसका इंतजार तो हमें बरसों से रहा, बस हमें गुप्त दान कर रहे हैं राशि और गुप्त दान कर रहे हैं। हाँ जी। तो पूरे परिवार ने फैसला किया, कैसे सलाह की? पूरा परिवार ने। हाँ 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 जी हाँ जी। पिताजी का नाम? सुभाष चंद्र बंसल। तो एक ही खल भंडार है, कोई और भी कहीं? नहीं, हमारे कई खल भंडार हैं। कई खल भंडार है, कहाँ कहाँ? हमारे भिवाड़ी भी है, पुंडरी में भी है, कैथल में भी है। तो ये भंडारे के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। इन्होंने अमाउंट अनाउंस नहीं किया है, अमाउंट हम प्रधान जी से पूछेंगे इन्होंने कितना सहयोग किया है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जय श्री राम। ये इन्होंने जो सहयोग किया है, कितने क्या राशि सहयोग किया, आपकी उम्मीदों के अनुसार किया है? हमारी अमीर से भी ऊपर इन्होंने सहयोग किया है, और जो भी इन्होंने हमारे को सहयोग किया वो तो हमारे को इससे पूरा लंगर को सहारा मिला है जी। इससे हम एक दिन की दो दिन की हम इन्होंने लगाओ जितने भी सेवादार वहाँ पर काम करेंगे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ दे दिया जी। थे यदि हम मान के चले वहाँ एक दिन की चाय का खर्च कितना है? वो एक दिन की चाय का खर्च 1.25 लाख रुपये रोज का है जी लगभग उधर से। और इन्होंने तो इन्होंने ला लो एक दे दिया उन्होंने अपने इच्छा के मुताबिक। बोलते जो भी दान कराया इन्हें अपने खुली मुट्ठी बंद करके दान कराया इन्होंने। इन्हें अपनी घोषणा ने गुप्त दान किया इन्होंने, जो भी किया वो खुले मन से किया दान। बहुत कुछ गुप्त दान के रूप में एक बहुत बड़ी इन्होंने आर्थिक सहायता भंडारे में की है। ठीक है, बड़ी। और जो शहर के दानी सज्जन हैं, जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे? हमें सभी सौकारों से कहें भी गरीबों का तो स्नान होता है और सेठों का दान होता है। हाँ, वो तो उन हिसाब से इन्होंने सेठों की तरह दान करा जी। शहर के सेठों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा दान करें। हाँ, सबसे ज्यादा से आउती अपने सभी डाले अपनी इच्छा के मुताबिक सभी उत्ती डाले इन्होंने। हम जो भी सी हो के हम सभी शहर के मारे जो सौकार हैं इनसे यही आशा करते हैं कि आप खुला मन से दान करें। जैसे इन्होंने दान किया तो ऐसे सभी लोग दान करें जी। अच्छा, भंडारे के लिए जब जाने की व्यवस्था है, वो तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? वो तैयारी हमारी लगभग पूरी हो गई, जो भंडारे की जो मैंने गाड़ियाँ करनी है और करनी है सारा हमारा काम रेडी हो रहा है। अब तो लास्ट टाइम में हम अपना लग रहे हैं सामान समून सामग्री बदला करने। एक और जानकारी मिली थी कि भंडारे में बच्चों को भगवान श्री राम का स्वरूप दिया जाएगा, वो बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट करें, उसकी क्या योजना है? ये बच्चे जो भी अपने बच्चे को इसी लंगर के अंदर जो शोभा यात्रा के अंदर लाना चाहे तो अपने बच्चों को राम लक्ष्मण का रूप बना के तो अपना यहाँ पर अपने बच्चों को पेश कर सकते हैं जी। राम लक्ष्मण का रूप में पेश करें, जानकी का रूप में करना है जिसको भी। कितनी तारीख का ये शोभा यात्रा है? ये 15 तारीख की शोभा यात्रा सुबह 10 बजे अपने चिन्याना गेट रामलीला ग्राउंड से यात्रा शुरू होगी, और ये सारा शहर में अपने कैथल में घूम के और ये 19 सेक्टर से फिर ये रवानगी करेगी कुलक्षेत्र की तरफ। तो कितनी उम्र तक के बच्चों को राम बनाया जा सकता है? परिवार वाले अपने बच्चों को राम बना करके लाएं तो वहाँ उनकी पूजा होगी, क्या करेंगे? हाँ, उनकी पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, राम का रूप में उनको पूजा जाएगा, सभी लोग पूजेंगे उनको माने। तो उनकी कोई उम्र का क्राइटेरिया फिक्स किया है? नहीं, उम्र क्या अपने जैसे जिसकी श्रद्धा हो अपने बच्चों को ऐसे रूप में ले सकते हैं जी अपने। ठीक। तो पूरे शहर में शोभा यात्रा में उनको साथ रखा जाएगा? साथ में रखेंगे, उनको बैठने का स्थान मिलेगा, सब चीज को उनको ऐसा करेंगे जी सभी। तो भंडारा जो शोभा यात्रा रहेगी उसमें अपने आम जो शहर के लोग हैं और जो शहर के और दानी सज्जन उनसे क्या अपील करेंगे कि शोभा यात्रा में किस तरह से शामिल हों? शोभा यात्रा के अंदर ये अपने 500 साल बाद मौका मिला है और अपने हरियाणा का चुनपुन वहाँ पर अयोध्या जी के अंदर हम ला के जा रहे हैं। सभी अपने अपनी उतियस के डाल के वहाँ पर अपनी सभी मिला के और सारे शहर को इसमें एक शहर पूरा लिकट के चले इसी यात्रा के साथ जी। सारे शहर से उत्सव होना चाहिए, घर घर में खुशी है। जैसे इस राम मंदिर की घर घर में खुशी है, ऐसे हरियाणा वासियों को भी एक लंगर मिला संपूर्ण हरियाणा की तरफ से, सारा हरियाणा को उसको बहुत खुशी है जी। सारा पूरे शहर से पीला शोभा यात्रा में शामिल हूँ। हाँ, पूरे यात्रा को सारा शहर से सारे शहर से घोषणा करते हैं राम जी की तरफ से कि इसके अंदर सभी शामिल होके सब मिलजुल के चलेंगे जी। यात्रा का टूर थोड़ा सा बता दीजिए, शहर में किस
कहाँ से शुरू होगी और कहाँ से खत्म होगी? ये अपने चिन्नाना गेट से शुरू होके रामलीला ग्राउंड से भगत सिंह चौक होते छात्रावास होके पेवा चौक होके और ये जाएगी कुलक्षेत्र रोड से 19 सेक्टर में जी। आगे कुलक्षेत्र के लिए रवाना होगी? ये कुलक्षेत्र के रवानगी होगी जी। धन्यवाद। तो ये एक जिस तरह से भंडारे में तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, शहर के दानी और जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें भी सहयोग करने की अपने आप में एक होड़ लगी हुई है कि एक बहुत बड़ी मदद इन्होंने की है और शोभा यात्रा को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रधान जी ने दी है। एक बच्चे को परिवार में जो भी चाहे अपने बच्चों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रूप दे करके शोभा यात्रा में शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके।